कि मैं ओम प्रकाश डॉक्टर बीरेंद्र जी अंधारी जी शानंद जी विजय जी कालीचरण माननीय विधायक पूर्व महेंद्र चौहान जी चंद्रशेखर जी और जय हिंद जो विधानसभा अध्यक्ष है अवधेश ये सभी एक प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर शानंद जिनको मैंने बताया तो ये सभी लोग हम लोग गए थे और हम लोगों ने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर नेतृत्व गया था और पूरी 3.5 घंटा समीक्षा किया एक एक आदमी से मिला घर देखा दरवाजा टूटा हुआ देखा पुलिस का जाति जुल्म और उत्पीड़न देखा पूरा गांव आज भी भय और वातावरण के भय और आतंक के बीच है अभी भी गांव के 40% लोग बाहर है भागे हुए गांव में नहीं है तो मेरा आपसे माध्यम से है उस दरोगा के खिलाफ कार्रवाई किया जाए जिस दरोगा ने परमिशन दिया रामलीला में इस तरह का काम करने का और मैं ये भी चाहूंगा कि तत्काल लाइन हाजिर किया जाए और जो पुलिस के दोषी लोग हैं उन पर तत्काल FIR दर्ज करा के उनको जो सामान्य लोग हैं जिनका उत्पीड़न हुआ है उनको तत्काल जो जेल में बंद है उनको रिहा भी किया जाए इक्कीस लोग इक्कीस लोग बेगुनाह लोग को जेल में बंद किया गया उसको तत्काल रिहा किया जाए मैंने कहा कि यदि राष्ट्र मांगे नहीं मानी जाएगी तो विशाल जनसभा इसके खिलाफ और इस पर हम कार्रवाई करेंगे देखिए पुलिस तो एक ऐसी चीज हो गई है जो खुद ही अफवाह के कुतुब मीनार हो गई है पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है पुलिस को चोर पकड़ना चाहिए चोर नहीं पकड़ रही गुंडा पकड़ना चाहिए गुंडा नहीं पकड़ रही बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए वो नहीं कर रही है वो बालू से कैसे पैसा मिलेगा खनन से पैसा किससे मिलेगा जेसीबी नहीं चलेगा आप बताइए जब अखिलेश जी की सरकार थी तो 2 मीटर तक मट्टी निकालने का परमिशन है ये जियो है ये कहाँ खनन में आता है लेकिन आप जेसीबी चलवाएंगे तो रोज दरोगा को 3,000 रुपया दीजिए 3 से 5,000 रुपया रोज दरोगा मांग रहा पूरे जिले के दरोगा की यह हाल है और दरोगा को केवल हटा देना कोई पनिशमेंट थोड़ी है दरोगा ने इतना बड़ा जुल्म किया है इस जुल्म के खिलाफ उसे लाइन हाजिर करना चाहिए उसको 6 महीना जब वर्दी उतर जाएगा तब समझ में आएगा कि उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई होती है और पुलिस ने उत्पीड़न किया है इसलिए पुलिस को दरोगा को तत्काल लाइन हाजिर करना चाहिए और इस संदर्भ में और वो जो जो लोग बाहर हैं उनका नाम निकाला जाए और जो 21 लोग बंद है उसको तत्काल रिहा